घोड़ा जो है अभी बोल रहा था कि पानी पिलाओ, तो उसको पानी दे दिया है। हाँ जी, पानी पी के रात वापस। सुबह से जी शाम हो चुकी है और टाइम हो चुका है 4:30 बज रहे हैं। गुलदम अली भी आ चुका है जी। हाँ, बोतल मिल गई है। वाह जी वाह। बोतल जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है। ये देखें, ज़ैनब और मेहरान जो थे ये शॉप पर गए। जबरदस्त। आज जो है हमने ये सब्जी ली है, ये न्यू मशीन को चाबी जो है वो लगा दिया। जब वो चाबी खत्म हो जाएगी तो फिर कपड़े निकल के लाया तो बाहर जो है सैन की वो सफाई वगैरह भी हो। लस्सी वगैरह जो है अभी मैंने बना ली है। ये देखे मट्टी को मैंने छोड़, अभी जो है सारा सामान वगैरह जो है मैं सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं ये लस्सी बना रही हूँ और इस्लामुद्दीन इधर आ चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो सुबह का टाइम है, हमारी सुबह की रूटीन हो गई है शुरू और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो जो है बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है, रहना है हमारे साथ। और जो है छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरे देखने वाले जो न्यू बहन भाई है, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। न्यू भाई ये कहती हूँ कि चैनल पे जो न्यू आते हैं देखने के लिए तो ज़रूर मेरे चैनल का विजिट करें, यूट्यूब पे आएं और समीना विलेज फूड को जो है आप सर्च करें और जो है ना मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। और वीडियो जो है वो आपने देखनी है, मुकम्मल वीडियो देखनी है और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होती है। मेहनत करते हैं और जो है जितना हो सके बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है? तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं ये लस्सी बना रही हूँ और इस्लामुद्दीन इधर आ चुका है और साथ में जो है एहसान साहब है। हम रात गए थे होटल पर और होटल से जो है हम ले आए थे ये वाले चावल, चाइनीज राइस। ये है मुंशी साहब यहाँ पर घर पर था, उनके लिए लेकर आए, उन्होंने खाया और कुछ बच गए तो एहसान अभी खा रहा है ऐसे। हाँ, और यहाँ पर जो इस्लामुद्दीन बैठा है, इस्लामुद्दीन क्या हाल है? ऊपर देखो ना, तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। आज सुबह सुबह कैसे यहाँ पर आ गए? अच्छा जी, आप मक्खन लेने आए हो और दवाई खानी है। इस्लामुद्दीन को जो है ये जैसा कि आपने देखा ये फोड़े वगैरह निकले हुए हैं, इधर से दिखाना, ये सारे हाथों पर जो है ना ये सारे हो गए हैं और इन्होंने जो है दवाई ली है, वो दवाई खानी है मक्खन के साथ। तो अभी जो है मैं लस्सी बना रही हूँ, बनाना कर रही हूँ शुरू। तो लस्सी बनाऊँगी, मक्खन निकालूँगी और इस्लामुद्दीन को मक्खन दूँगी और ये खाएगा दवाई और इस्लामुद्दीन के लिए बहुत सारी दुआएं। एहसान गिर जाएंगे, इधर बैठो, वो देखो नीचे जा रहे हैं। इनकी ना जल्द भी ऐसी है कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी टच हो तो इनका मसला यही बन जाता है, खासकर जो है गर्मियों के सीज़न में इसे ऐसे होते हैं। बेटा पत्ती जो है थोड़ी डालनी है मेहरबानी करके, चाय पीने की भी नहीं होती, इतनी नहीं डालनी चाहिए पत्ती। सवेरा जो है चाय बना रही है और पत्ती जो इतना डाल देती है बहुत ज़्यादा, मेरे सीने में जो होती है जलन होती है और दर्द होने लग जाती है। तो अभी मैं लस्सी बना रही हूँ, वो बना रही है चाय। ये देखिए सारा सामान वगैरह जो इकट्ठा हो चुका है और चूल्हा भी जलाया जा रहा है और इधर से मेरा ये सामान वगैरह रखा है, मैं इधर सेट करके मैं बनाती हूँ लस्सी। बाकी फैमिली जो ममा अभी रख दो ना, अभी जो है सारा सामान वगैरह जो है मैं इकट्ठा करके ले आई हूँ। सबसे पहले जो है दूध डालेंगे मटकी के अंदर, काबला अंदर था।
लस्सी वगैरह जो है अभी मैंने बना ली है, ये देखें मट्टी को मैंने छोड़ दिया है इधर, लस्सी बना के बाल्टी में डाल रही है। अभी जो है चूल्हे की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पर बनाना है नाश्ता। बच्चों का स्कूल का टाइम होने को है तो लेट ना हो जाए, टीचर फिर मारती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पर ये देखे रेडी होके बैठे हैं, चाय और पापा खा रहे हैं। हाँ जैनब मेहरान ओके हो? चलो यहाँ पर सारा सामान वगैरह जो है इकट्ठा होके आ चुका है, मैं आपके लिए नाश्ता बना लूँ। आप अपने बैग भी सेट कर लो, पानी की बोतलें भी ले आओ, रोटी वाला टिफिन भी ले आओ, जो सामान वगैरह है आपका चेक कर। पानी भी भर लिया, टिफिन भी उठा कर ले आई, और बैग वगैरह जो है वो भी चेक कर लो, जो चीज लेनी हो वो भी लेनी है आपने। नहीं ऐसे ना, आपकी जो है पढ़ाई अच्छी नहीं, वो आप लिखाई नहीं अच्छी कर पाएंगी। एक चीज इस्तेमाल करो, जो भी करो हाथ ना आपका वो एक जगह पे टिक जाएगा, फिर जो है ना वो सफाई भी होगी आपकी पढ़ाई में। तो आप ऐसे ना क्या करो, जो चीज भी लेनी है ना एक ले, पेंसिल लो चाहे वो पेन लो मार्कर लो, जो चीज भी लेनी है एक चीज इस्तेमाल करो। और इधर जो है वसीम साहब आ गए। हाँ वसीम साहब कैसे हो? तबीयत सेहत ठीक है? आपके स्कूल अभी नहीं खुले? अभी देर है। कितना? मेहरान के स्कूल से आपके स्कूल तो एक महीना पहले बंद हुए थे ना, तो फिर एक महीना बाद खुलेंगे। वेरी गुड। क्या पढ़ाई करोगे फिर? हमने काम लिखना था, सारा काम लिख लिया। काम वगैरह होमवर्क जो था वो हो गया है? चलो माशाल्लाह। इधर कौन चला गया है? बाहर भी आना, मिस्त्री आए हुए हैं। चलो ओके जी। तो अभी नाश्ता पानी जो है सब कुछ बना के रेडी करके मैंने रख दिया है, अभी तक खाया नहीं है, ना किसी ने खाया है, ना मैंने खुद खाया है, ना किसी को खिलाया है। तो बाहर जो है सहन की वो सफाई वगैरह भी हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, ये भी हो चुका है। अब क्योंकि खाने का मूड नहीं था, भूख नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं खाया, बना के रख दिया। माशाल्लाह आज जो है ना हवाएं भी बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी चल रही हैं, और बादल वादल कुछ भी नहीं है, मौसम जो है ठंडा है, वो हवाएं हवा जो चल रही है इस वजह से। तो मैंने आज लगानी है वॉशिंग मशीन, कपड़े जो हैं बहुत सारे धुलाई करने हैं। अभी चलते हैं अपने कमरे की तरफ, वहाँ से वॉशिंग मशीन जो है लेकर आते हैं बाहर, और वो भी लगाते हैं, और जो है दुआ करते हैं कि लाइट वगैरह जो है आज ना जाए। दुआ करते हैं। वाबड वालों की तो अपनी मर्जी होती है, किसी का जोर तो नहीं चल सकता, बाकी का जो है आगे अल्लाह पाक खैर करे। तो चलते हैं, वॉशिंग मशीन जो है वो बाहर निकालते हैं, वो भी लगा देते हैं, साथ साथ कपड़े भी धुलाई होते जाएंगे। तो ये बंडल जो है बाहर निकाल दिया है, ये रखी है हमारी वॉशिंग मशीन, और इनको ले जाती हूँ बाहर, अंदर से कुछ भी नहीं है, ये खाली हो चुकी है, तो इनको बाहर ले चलते हैं। तो आगे का जो काम होगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है ओके। वॉशिंग मशीन है वो मैंने लगा दी है, अभी ये कपड़े वगैरह जो हैं यहाँ पर ये बिखरे पड़े हैं, ये सब धोने वाले हैं। तो पहला पोल जो है मैंने डाल दिया है, वो मशीन वॉशिंग मशीन जो है वो भी चल रही है। तो अभी मैं चलती हूँ अपने कमरे की तरफ, उधर जाके नाश्ते का मूड तो नहीं है वैसे, तो पंखे की हवा जो है थोड़ी सी लगवा लेती हूँ, और लस्सी जो मैं बनाई थी सुबह वो लस्सी भी पी दूँगी, लस्सी की जो है बहुत प्यास लग रही है। और वॉशिंग मशीन को चाबी जो है वो लगा दिया, जब वो चाबी ख़त्म हो जाएगी तो फिर कपड़े निकाल लूँगी ओके। आज जो है हमने ये सब्जी ली है, ये न्यू सब्जी है, क्यों कोई खाता हो किसी ने बनाया है तो मुझे ज़रूर बताना है ये क्या है। ये कौन सी सब्जी है? ये देखें इनके ऐसे सुराख भी होते हैं इधर से, इसे अच्छी तरह से धुलाई करके मैं ले आई हूँ अभी। कौन सी? कौन सी? भेड़। भेड़ नहीं होता ये, भे इनको हम बोलते हैं भे। तो आज जो है हम इनका सालन बनाएंगे, अभी इनकी जो है कटाई करनी है,
इसे अच्छी तरह से धुलाई करके ले आए। हाँ दूर भी नहीं है? हाँ चलो जल्दी से मैं इनकी कटाई कर लूँ। इनको ना पतला पतला सा कट कर लेते हैं, फिर जो है ना इसको उबाल करके फिर इनकी करेंगे भुनाई। अभी आप खाना खा रहे हो तो फिर शाम को नहीं खाना? खाना है पर ये डाल दे, ये मक्खन डालना है इसमें, ये सारे खा जाओगे, बचना नहीं चाहिए। फिर ये मक्खन लगाया हुआ है ना फिर खराब हो जाएंगे। निकाल लेने, जितना आपको ज़रूरत है उतना डालो, अलग करके ले आओ फिर मैं डाल दूंगी, मुझे लेट हो रही है। ठीक है जबरदस्त इनकी कटाई जो है हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल हो गए हैं। ओके ज़ैनब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़ैनब बख्तावर और बीबी क्या कर रही हो? हम खेल रहे। ये साथ लेकर जाओ ज़ैनब के साथ वहाँ नलके पे, वो पतीला जो अच्छी तरह से धुलाई करेगी, फिर इनको धोना है, इनको फिर वो पतीले के अंदर सट के ना फिर पानी डाल के ले आओ, फॉल नहीं करना। ठीक है क्या है कौन गहना है ऐसा ना, बस चला गया। जबरदस्त इनकी कटाई जो है हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल हो गए हैं। ओके ज़ैनब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़ैनब बख्तावर और बीबी क्या कर रही हो? हम खेल रहे। ये साथ लेकर जाओ ज़ैनब के साथ वहाँ नलके पे, वो पतीला जो अच्छी तरह से धुलाई करेगी, फिर इनको धोना है, इनको फिर वो पतीले के अंदर सट के ना फिर पानी डाल के ले आओ, फॉल नहीं करना। ठीक है क्या है कौन गहना है ऐसा ना, बस चला गया। ज़ैनब और मेहरान जो थे ये शॉप पर गए थे कोई चीज लेने के लिए। हाँ मिल गई। मेहरान कहाँ गया? ढोले को लेने। चलो जी ये देखते हैं, ये किस किस की है? ये ढोले की है, ये आप सवेरा की है, ये जो है ना बीबी की है, और ये मेरी है, ये सवेरा आप की। ठीक हो गया, ये इनकी चीज है और ये हमने मंगवाई है बोतल, ये भी अभी बांटेंगे पियेंगे। हाँ ले आए, क्या चाहिए एहसान? बीबी कहाँ है? आ रही है, आ रही है, नहीं ऊपर नहीं थी, नीचे आ रही थी, आ नहीं रही थी। चलो बोतल जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, ये देखें ये बोतल मिल चुकी है जी। तो ऐसा पीना जो है स्टार्ट करते हैं, और माशाल्लाह सभी बोतलें पी रहे हैं। वसीम बस्तावर नूरुद्दीन को दिया है? हाँ नूरुद्दीन ने अभी अभी ये गिलास खाली करके रखा है। सच है? वाह वे वाह। तो ढोला भी पी रहा है? एहसान उधर देखो बोतल पी ली, पी रहे हो? वाह जी वाह। बोतल पियो पियो, पी लो उसको, नहीं बुला ला है। इतनी डालो, थोड़ा सा डालो, हाँ फूल देगा। जबरदस्त कैसी है?
कैसी है? बस करो बस। नमक डाल रहा है? सारा नमक डाल रहा है। नमक नहीं डालो सारा। रोजा मलिक भी आ चुका है जी। हाँ बोतल मिल गई है जी। वाह ये पील है, एहसान किया है, ये पीता नहीं है। एहसान क्या खा रहा है? क्या खा रहे थे ढोले? हाँ लेज खा रहे थे, लेज। अच्छा क्या चाहिए? ये व्लॉग बनाना है, मैंने व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है। था मारो ना, फिर दे दूंगा। था मारो फिर मोबाइल मिल जाएगा। सुबह से जी शाम हो चुकी है और टाइम हो चुका है 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ढोलू खेल रहा है, बीबी भी और मैडम जो है मंजे डाल के यहाँ बैठ चुकी हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो बर्तन धो चुके हैं, बर्तन सुबह धुलाई की थी, अभी दोपहर को जो खाना खाया अभी मैंने कहा जाना को इकट्ठे करके आप धो लें। अच्छा जी, सुबह के हमने सुबह का काम वगैरह किया और सवेरा और मैं दोनों जो है ना सारा दिन कपड़े धुलाई किए। अच्छा, तो अभी ना बहुत थक चुके हैं और चार पाई भी बाहर डाल दी और सब्जी की कटाई करके उनको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। जैनब ने धोने हैं। चलो जैनब पानी थोड़ा पियो, काम ज्यादा करो, बर्तन धो लो। अगर बर्तन नहीं धोगी तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। ये बट्टल भी निकाल लो बाहर रख दो। हाँ बट्टल भी निकालो, गाड़ी निकाल लो बाहर। हाँ जी कपड़े ना पसाओ बेटा, उसको इधर आने दो ना, अब पीछे हो जाओ थोड़ी सी। पीछे नहीं होगी, कहाँ जा रहे हो? क्या पढ़ना है? ये ना सिपारा पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा चलो आप पढ़े, वो जैनब ना बर्तन धुलाई करके आ रही है, अभी ये बैठा रहेगा, जैनब धुलाई कर लेगी बर्तन, फिर जो है ना सिपारा पढ़ेगा। वाह वाह, अब चलो पढ़ो, वो आ रही है। और गैस सिलेंडर पे जो है पतीला चढ़ चुका है, गरम तो नहीं है, वो गरम है। इसमें जो है आज इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये आज क्या पका रहे हैं, क्या बोलते हैं? भे। भे? हाँ। अच्छा भे भे, अच्छा लकड़ी की काठी, अच्छा लकड़ी की काठी पका रहे हैं। हाँ। अच्छा लकड़ी का घोड़ा हमारी है, लकड़ी की काठी, लकड़ी की सब्जी। नंबरदार होता है, अंदर बंद कर दो यार पखे, काली चाल वैसे गई हुई है, वो बंद करने नहीं गई हुई है। हाँ हो गया हो गया, बंद हो गए। हाँ बीबी क्या कूद खेल कूद रही हो, गिर जाओगी तो बीबी इनको दंद टूट जाएंगे, गिरोगी तो दंद टूट जाएंगे। हाँ थोड़ा जो है अभी बहुत ज्यादा के पानी पिलाओ तो पानी दे दिया है। हाँ जी पानी पी के रात वापस दे के जो वापस आ रहा है, पानी पी लिया गोले बैठेगा सकून से, फिर वो बैठेगा कहाँ, देख देख। ओ थैंक यू, ओ गिरेगा तो चीज निकल जाओगी। क्या हो गया? क्या झीले पाए हैं, काम कर रहे हैं मजदूर, जो कुछ घील कर रहे हैं। पता लगाओ क्या घीली बहन, ऐसे इनको पानी लगा के ना रख दो सीधे। हाँ। सीधे एक एक दूजे के ऊपर चढ़ा चढ़ा के रख दो, इसको रहने दो, ऐसे छोड़ दो। ऐसे वो ना ये चौकी उठा लो उधर ना, सीधी करके बैठ जाओ। हाँ। आगे लगा लो, फिर टूटी से कहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। थोड़ी शाम सुबह से शाम तक का जो ये है रूटीन वो आपको व्लॉग में शेयर कर दी गई है, तो
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।